राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और राष्ट्रवादी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने शहर नेता प्रशांत पवार के कार्यालय को भेंट दी। शहर के राष्ट्रवादी नेता प्रशांत पवार के काशीपुरा स्थित कार्यालय को गृह मंत्री अनिल देशमुख और नेता प्रफुल्ल पटेल इन्होंने भेंट दी। कार्यक्रम के दौरान देशमुख इन्होंने नेताओं की सुरक्षा घटाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी नियुक्त की थी, इस कमेटी ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस निर्णय से काफी बवाल हुआ है। ऐसा है कि जो विरोधी पक्ष केंद्र नेता हो या कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के हो या शिवसेना के हो, इनके बारे में एक वरिष्ठ 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी और उसमें उनको मैंडेट दिया गया था कि थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उस कमेटी ने रिपोर्ट देना चाहिए और जिसको थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से कौन सी सिक्योरिटी देना है उसके बारे में भी उनको बताया गया था। उसी हिसाब से रिपोर्ट आने के बाद में थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद में उस प्रकार का आदेश राज्य शासन ने निकाला है और उस प्रकार का आदेश निकाल के बाद में उनकी सिक्योरिटी कम की गई है, काफ़ी लोगों की कम की गई इसमें। और उसी प्रकार ये होने के बाद में माननीय शरद पवार साहब जी का मुझे फ़ोन आया था कि भी उन्होंने बताया, मुझे सूचना दी कि उनकी भी सिक्योरिटी कम करना चाहिए करके। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती है थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी उस टाइम आप देखिए माननीय शरद पवार साहब जो वरिष्ठ नेता थे, इतने से साल केंद्र में मंत्री थे, राज्य में 4 मुख्यमंत्री थे, बीच में जब यहाँ पे 4 पहले की बात देखिए ना उनको एक एस्कॉर्ट था ना उनको एक पायलट था। बीच में अजीत दादा डिप्टी सीएम थे, इतने साल में जब 5 नहीं थे उनको एक भी सिपाही उनके सिक्योरिटी पे नहीं था। कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है, इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद मचे बवाल के बाद राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी सुरक्षा कम करने की मांग की है। इस बारे में देशमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शरद पवार और अजीत पवार को सुरक्षा नहीं दी गई थी। कैसा है तुम्हारा माहिती कि 4 पूर्वी शरद पवार साहब यांना केंद्रामध्ये इतके वर्ष मंत्री, राज्याचे अनेक वर्ष अनेकदा मुख्यमंत्री, इतके वरिष्ठ नेते असं असतानासुद्धा त्यांनासुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या काळामध्ये एकसुद्धा पायलट आणि एकसुद्धा एस्कॉर्ट नव्हता। अजितदादा पवार इतके वर्ष माननीय उपमुख्यमंत्री आहे, मागच्या 5 2014-2019 काळामध्ये त्यांनासुद्धा एकसुद्धा साधा हवालदारसुद्धा त्यांना सिक्युरिटीला नव्हता। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की ह्या सर्व गोष्टी कुणाला किती सुरक्षेची आवश्यकता आहे त्याचे निकष पाहून ठरतात आणि त्याच पद्धतीने राज्य शासन निर्णय घेतलेला आहे। थँक्यू। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे, BC News नागपूर।